हेलो फ्रेंड्स, पार्वती आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये साटन के कपड़े के फ्लावर लेकर के आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने ये ऊन लिया है, ये स्पार्कल है, ये तार है और ये सुई धागा है, ये सुई धागा है, ये रील है और साटन का कपड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है। आप कोई भी डब्बा या जो भी आप जिस साइज का बनाना चाहते हैं, ग्लास या जो भी आपको ढक्कन वगैरह कुछ भी मिले आप लगा सकते हैं, उससे साइज बना सकते हैं। देखिए मैंने ग्लास लिया हुआ, देखिए इसको बनाने के लिए ऐसे मैंने मिल्टन चौक से ऐसे डिजाइन बनाया है। देखिए देखिए, अब हम इस गोले को कट कर लेंगे। देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने 6 गोले काट लिए। अब हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बनाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने देखिए ऐसे कपड़ा फोल्ड किया। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। देखिए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए ये देखिए, हमने इसमें ऐसे सिलाई लगाया। सिलाई लगा लिया है। देखिए ये हमारा कली बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए हम इसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे। हमने ये गोला लिया, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड किया। देखिए मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। देखिए ये इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे पकड़ करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई। देखिए अब हम दूसरे गोले में ऐसा ही देखिए फोल्ड करेंगे। देखिए ये देखिए हमारी ये दूसरी कली बनकर रेडी हो गई। देखिए ऐसे, देखिए हमारी दूसरी कली रेडी हो गई। अब हम तीसरी कली बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम पांचों कलियों को ऐसे बना लेंगे। बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पांचों कलियों को सिल लिया है। देखिए इस तरह से अब इसको हम ऐसे करके आपस में ज्वाइंट करेंगे पांचों को। देखिए इस तरह से, और इसमें हम इस तरह से नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे इसमें हम नॉट लगा देंगे, ये देखिए। और इसमें नॉट लगाने के बाद हम इसको मजबूती से बांध दें ताकि ये खुले ना, और कैंची से धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर देखिए रेडी हो गया। ये देखिए अब हम इसको इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो गया। देखिए अब इसमें मैं डंडी में ऊन लगा रही हूँ। मैं चाहती तो इसमें मैं हरा टेप भी लगा सकती थी, लेकिन मैं इसमें नया लुक देना चाहती थी, इसलिए मैं इसमें ऊन लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से इसमें ऐसे इसमें हम ऊन लगा देंगे डंडी में। देखिए देखिए मैंने इसमें नया लुक देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसमें ऊन लगा रही हूँ। ठीक है, ये हमने नीचे तक कंप्लीट कर लिया है। हमारा फ्लावर की डंडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और धन्यवाद।